اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم ان لك هذا قالت هو من عند الله ان वहमतुल्ल वक् आज की इस वीडियो में हम इन शूरत आल इमरान की आयत नंबर थर्टी सेवन सीखेंगे तजवीद के साथ शुरू करते हैं फतबल है खौफ़ मुताल है पुर पड़ा जाएगा हा अलिफमदा है एक अलफ की मकदार के बराबर खींच कर पढ़ा जाएगा रोबा रो ज़बर की वजह से पुर पड़ा जाएगा हा अलिफमदा है एक अलफ की मकदार के बराबर खींच कर पड़ा जाएगा बेबोलिन खौफ मताल है पुर पढ़ा जाएगा बुआ उमदा है एक अलफ की मकदार के बराबर खींच कर पड़ेंगे तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से हा आया है इजहार हल्की होगा तनवीन को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे गुन्ना नहीं होगा बेकोबो बेक़बोलिन हसन यहाँ तनवीन के बाद यरमलून वाव आया है यद ईदगाह माल गना होगा वह नून साकिन के बाद मुतहरक बा आया है छोटा सा मीम कुतनी आप देख रहे हैं यहाँ पर क़लब होगा इकफ शफा होगा हा अलिफ मद्दा है बा बल्फ मद्दा है एक एक अलफ की मिकदार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। और यहाँ पर तनवीन के बाद आगे हा आया है हल्की तनवीन के ऊपर इजहार होगा इसे इजहार हल्की कहते हैं न बन हसन हसन ना वकफ़ की सूरत में अलिपद्दा बन जाएगा दो ज़बर को बदल कर एक ज़बर के साथ पढ़ेंगे वक़ की सूरत में, चूँकि यहाँ पर आयत के दरमियान ला आया है तो यहाँ पर मिला कर पढ़ना बेहतर है अगर वक़ किया तो अलिफमद्दा के साथ वक़ होगा वाकफ बिल इब्दाल होगा और मिलाने की सूरत में इदा मालगुन होगा तनवीन के बाद यरमलून का वाऊ आया है इसलिए فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَلَهَا व कैफ़ल है हा अलिपद है एक अलफ की मकदार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे ज़ैरिय जा को सख्ती के साथ अदा करें री रो की वजह से बारिक पड़ा जाएगा या अलिपा है वक की सूरत में एक अलफ की मिकदार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे मिलाने की सूरत में भी एक एकफ की मकदार के बराबर खींचना होगा व कैफ है ज़ैरिए कुल्ल मा मै अलिफ मद्दा है दाखला किसी भी हरकत वाले हरफ को खींचना नहीं लई अली, लई ली, या लीन है हा अलिफ मद्दा है एक एक अलफ की एक एकफ की मकदार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे लई ली, लीन को थोड़ा नरमी के साथ आधे अलफ की मकदार के बराबर खींच कर पड़ा जाएगा ज़ा को सख्ती के साथ पढ़ें और ज़ेर की वजह से बारिक पड़ा जाएगा यल महरौब यहाँ पर लाम साकिन को हिलाना नहीं रो ज़बर की वजह से पुर पढ़ा जाएगा अलिफ मद्दा भी है एक अलिफ की मिकदार के बराबर खींच कर पढ़ा जाएगा वाकफ की सूरत में साकिन पर कलकला होगा जहाँ यहाँ पर भी आयत के दरमियान ला आया है मिला कर पढ़ना बेहतर है अगर वकफफ किया तो उस सूरत में कल, कल कला होगा वरना कलकला नहीं होगा मिलाने की सूरत में अपनी हरकत के साथ पड़ा जाएगा मुस्ताल है पुर पड़ा जाएगा वजादा किसी भी हरकत वाले हरफ को खींचना नहीं द सकिन के बाद हरफ एक का दाल आया हकीकी होगा गुन्ना के साथ पढ़ेंगे हयाल मद्दा है रोजेर की वजह से बारीक पढ़ा जाएगा यहाँ पर भी वक़ की सूरत में वक़बल इब्दाल होगा दो ज़बर को बदल कर एक ज़बर के साथ पढ़ेंगे अलिफ मद्दा बनेगा एकफ की मकदार के बराबर खींच कर वक़ करेंगे और मिलाने की सूरत में एकफ हक़ीकी होगा गन्ना के साथ पढ़ेंगे तनवीन के बाद हरूफ अफ़ आया हैफ़ और अल्फ़ दोनों पुर पड़े जाएंगे मस्ाल के बाद जब एक ही कलमे में अलिफ भी आता है वह पुर पढ़ा जाता है चूँकि कौफ मु है मोटा पड़ा जाता है या के ऊपर खड़ी ज़बर है एक अलिफ की मकदार के बराबर खींच कर पड़ेंगे रोसा किन से पहले ज़बर है पुर पड़ा जाएगा अन नमशद पर गुना होगा खड़ी ज़बर भी है इसके ऊपर एक अलिफ की मकदार के बराबर खींच खींचना भी होगा हा के ऊपर खड़ी ज़बर है एक अलिफ की मिकदार के बराबर खींच कर पड़ेंगे और हा ज वकफ़ की सूरत में भी एक अलिफ की मकदार के बराबर खींच कर होगा और मिलाने की सूरत में भी लकी हज़ क़ौलत कौफ़ और अलिप दोनों पुर पड़े जाएंगे जैसे यहाँ पर हुआ उसी तरह से हुआ को खींचना नहीं मिन नून सान के बाद आयन है इजहार हल्की होगा गना नहीं होगा नून साकिन के बाद हरफा का दाल है एक हकीकी होगा अल्लाह का लाम ज़बर ज़ेर की वजह से बारीक पढ़ा जाएगा इसके ऊपर खड़ी ज़बर है एक अलिफ की मक़दार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे और हा साकिन पढ़ा जाएगा वाकफ़ की सूरत में न मुश्द पर गुना होगा यहाँ पर अल्लाह का बारीक बारिक पड़ा जाएगा ज़ेर की वजह से और यहाँ पर पुर पड़ा जाएगा मोटा पड़ा जाएगा ज़बर की वजह से इसके ऊपर खड़ी ज़बर भी है एक कलफ की मकदार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे हक को वंचना नहीं या रोसा किन से पहले ज़बर है पुर पड़ा जाएगा जुको खौफ मुस्त है पुर पड़ा जाएगा मई नूनसा किन के बजार मलून का या आए ये दाम मालगुना होगा शव मद मतसिल है चार अलिफ की मकदार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे बेरी यान गोई मुस्ता है पुर पड़ा जाएगा गयी यालीन है थोड़ा नरमी के साथ खींच कर अदा करेंगे रोज़ेर की वजह से बारीक पड़ा जाएगा हिसाब बसा किन पर कलकला होगा वक़ की सूरत में मिलाने की सूरत में इजहार हल्की होगा तीन से पाँच अल्फ़ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे और कल कला भी बा के ऊपर होगा तो आज का सबक हमारा यहाँ तक है एक बार मैं मिला कर पढ़ता हूँ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَلَهَا زَكَرِيَّا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم أجكي اس فيديو ما اتنهي اپنا خيار خير دوم ياد رکھیں take care خدا حافظ